इनको घर में जाके सजा सकते हैं इनसे। ये तो वो शोपीस के होते हैं ना। यहाँ से ले लो फ्री, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ खरीद के लेने पड़ते हैं ना, ये रख लो। हाँ सही, आप ले लो भैया। मैं तो ले गया था कई बार। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया एक जनत में। ये है शालिनी, मैं हूँ गौरव। आज हम हैं मोर्नी हिल्स में और जा रहे हैं मोर्नी फोर्ट। अभी हम निकल चुके हैं रिजॉर्ट से और टिकरताल से तकरीबन 6 किलोमीटर की ड्राइव है। इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे कि टॉप चीजें ऐसी क्या हैं जो आप मोर्नी जब आते हैं और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो चलते हैं मोर्नी फोर्ट और शेयर करते हैं बहुत ही सीनिक व्यूज यहाँ के आपके साथ। तो ये सुमित हमारे साथ हैं, आज कैब सर्विस हमने ली है इनके ड्राइवर, और ये हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। जी, अभी इन्होंने बताया कि ये चीड़ का पेड़ है और इन्होंने रोक के ये हमारे को ये दिखाया कि ये निकला है, ये निकलता है इस पेड़ से, इसमें फल होता है अंदर, इसको उबाल के ना फिर इसमें कुछ दाने से निकलते हैं बीच से। अच्छा अच्छा, खाने को होते हो। मोर्नी हिल्स के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से है एक टिकरताल, जहां आप वाटर और एरो स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो हमने लास्ट एपिसोड में शेयर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक भी। तो हम पहुंच चुके हैं मोर्नी फोर्ट और रास्ते की जो ड्राइव थी मजा आ गया। ऊपर आते आते मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है और ठंडक बढ़ गई है। टिकरताल से जो ड्राइव है, जो पहाड़ी एरिया है, लेकिन बहुत ही स्मूथ है, और साथ में ही जो है जॉइनिंग पुलिस चौकी है, तो वो है यहाँ का लैंडमार्क। यहाँ पे जो है नेचर म्यूजियम है और लैंडिंग सेंटर है जैसे लिखा है, तो अंदर चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। फोर्ट एंटर करने से पहले ही कलरफुल शिव मंदिर है, यहाँ की एंट्री फ्री है और सातों दिन खुला है। तकरीबन 200 साल पुराना मोर्नी फोर्ट को कन्वर्ट किया गया म्यूजियम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा, और 13 नवंबर 2017 को हरियाणा के एनवायरनमेंट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह जी ने यहां का इनॉग्रेशन किया। इन कॉपर प्लेट्स पर 3D आर्टवर्क के द्वारा बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है कि इंसान पहले कैसे था, कैसे इवॉल्व हुआ, और अपने विकास के लिए कैसे धरती को नुकसान पहुँचा रहा है। यहाँ पर दिखाया गया है वाइल्ड लाइफ के बारे में, वॉल्स पर डिस्प्ले की गई हैं सीनरीज, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, स्टैचूज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, और खासकर उन जानवर और पक्षी को जो खत्म होने के कगार पर हैं। यहाँ डिस्प्ले की गई है फ्लोरा और फौना को, और कैसे जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, वो सब यहाँ पर दिखाए गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ने मिलकर बहुत ही अच्छा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव म्यूजियम बनाया है, और हमें कैसे अपनी धरती को बचाना चाहिए और हमारे यूथ को एजुकेट करने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। बहुत सुंदर हुआ है, पूरा जंगल वाली फील आ रखी है। तो ये तो एकदम सही में एकदम ऐसा लग रहा है जैसे एकदम असली का खोपड़ा रखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और देख के जो इतने इम्पोर्टेंट मैसेजेस दिए गए हैं कि कैसे हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए। हमारा ट्रिप मोर्नी फोर्ट का बहुत अच्छा रहा, और अगर आप मोर्नी हिल्स आते हैं तो ये मस्ट विजिट्स में से एक प्लेस ज़रूर है, और बच्चों को तो यहाँ पे लेके आना बनता ही है। जो इतने इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैसेजेस मिले हैं, आई मीन दिस इज़ डेफिनेटली एक वन ऑफ द मस्ट विजिट्स। मोर्नी जो है चंडीगढ़ से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये जो है पूरा सराउंडेड है हिमालय के शिवालिक रेंज से। अभी जो है हम जा रहे हैं नादर साहिब गुरुद्वारे, ये जो है मोर्नी फोर्ट से तकरीबन 28 किलोमीटर की ड्राइव पे है। नादर साहिब गुरुद्वारे के बाद हम जाएंगे ठाकुर द्वार मंदिर, और उसके बाद चलेंगे एडवेंचर पार्क, जो आई एम श्योर बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है।
तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको मॉर्निंग हिल्स। तो अभी जो है मॉर्निंग फोर्ट से ड्राइव करते हुए तकरीबन 28 किलोमीटर नीचे पहुँच चुके हैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, और अभी हैं गुरुद्वारा नादा साहिब में, और ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड गुरुद्वारा ऑफ इंडिया है। यहाँ पे जो है गुरुद्वारे के बाहर मार्केट है, और यहाँ से आप कोई सुवेनियर भी ले सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जो पौंटा साहब है ना हिमाचल साइड, वहाँ से युद्ध जीत के जब आ रहे थे तो वह यहाँ पे रुके थे, जब वो वापस आनंदपुर साहब जा रहे थे तो यहाँ विश्राम किया, तो इस टाइम यहाँ के एक बाबा जी थे नाडू शाह जी, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत सेवा की थी, जिस वजह से उन्होंने खुश होकर फिर ये कहा था अभी इस जगह को नाडा साहब के नाम से जाना जाएगा, उन्हें बाबा नाडू शाह जी के नाम से नाडा साहब, इस जगह से इस गुरुद्वारे का नाम नाडा साहब पड़ा। ये लोकल पंचकुला से ही हम, मेरा नाम जसकीरत सिंह है। अर्शदीप सिंह। मेरा नाम जय सिंह ककराली। सहजवीर सिंह है मेरा नाम। अभी जो है हम गुरुद्वारे के बाहर ही अभी मार्केट का राउंड ले रहे थे, और हमें यहाँ के कुछ लोकल्स मिले और उन्होंने शेयर किया कि गुरुद्वारे की सिग्निफिकेंस के बारे में। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। लंगर से जाना ज़रूर जी। थैंक यू। इस YouTube के चैनल को सेटअप करने का सबसे अच्छी चीज़ जो हमें लगती है कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमें इतने अच्छे लोग मिलते हैं, एंड इट्स लाइक यू नो हम कहीं घूम रहे होते हैं और हमें लोग मिलते हैं और उनके साथ कनेक्ट करना, उनके साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है, जो हमारा पूरे चैनल के नेम को जो जस्टिफाई करता है। इंडिया एक जन्नत, इंडिया इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। अंदर जो है वीडियोग्राफी परमिटेड नहीं है तो इसलिए हम रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए और अभी हम जाने लगे हैं ठाकुर द्वार मंदिर। अभी हम हैं ठाकुर द्वार मंदिर के बाहर, और ये जो है पांडवों के टाइम का मंदिर है, और वनवास के टाइम वो यहाँ पे आए थे और रुके थे, और चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और ये सारी मूर्तियाँ जो हैं पांडवों के टाइम की हैं, और बताया जाता है कि आज भी अगर 8 से 10 फीट तक अगर नीचे खुदाई की जाए तो भी इन यहाँ पे मूर्तियाँ मिलती हैं। तो अभी हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं एडवेंचर पार्क। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मॉर्निंग हिल्स के एडवेंचर पार्क में, और ये टिक्करताल से जो है हार्डली 2-3 मिनट्स की ड्राइव पे है, तो एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है बच्चों के साथ अगर आप आते हैं, और यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है करने के लिए। सुबह 8:30 बजे खुल जाता है और शाम के 6:30 बजे तक होता है, और इसकी एंट्री टिकट कॉस्ट जो है 50 रुपये पर पर्सन। यहाँ पे बच्चों के लिए जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ लग रही हैं, स्पूकी हाउस, मंकी मेज, ट्री हाउस, बर्मा ब्रिज। सो एंटर करते जो एक स्पूकी हाउस बना है, और इसको बाहर जब हम निकलते हैं तो ये वाला जोन आ गया है ओपन में, और यहाँ पे जो एक कैफेटेरिया भी है ऊपर। तो अभी मैंने देख के आई, यहाँ का कैफेटेरिया जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन आपको जो है अपना चाय या कॉफ़ी लेनी हो या मैगी लेनी हो तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इस एडवेंचर पार्क में आप ट्रैकिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। मुझे याद आ गया अलवर वाला ट्रिप जहाँ हमने की थी बाला किला में ट्रैकिंग। अगर आपने हमारा अलवर वाला एपिसोड नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ पे जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, उस ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। अभी बच्चे तो हैं नहीं, तो अभी मैं ही बच्ची बनी हुई हूँ, और अभी मैं खड़ी हूँ मंकी मेज के बाहर। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ओह, ये तो बंद हो गया। तो यहाँ पे तो आगे हम फंस गए। तो यहाँ पे आए तो ये तो कॉर्नर हो गया बंद, बड़ा खुफिया सा रास्ता लग रहा है, और ये हमें कहाँ लेके जाता है। चलते हैं लेफ्ट की तरफ, यहाँ पे भी अगेन स्टेप्स हैं। अब ये कहाँ को लेके जाएगा। ओह, इसने हमें बेवकूफ़ बना दिया, और यहाँ पे इतना ऊपर चढ़ के पता चला ये भी कॉर्नर बंद है। तो इसका जो है ना पार्क का नाम एडवेंचर पार्क बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि यहाँ पे इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और आप जाते हो इतनी ऊपर चढ़ाई चढ़ के और फिर रियलाइज़ करते हो कि वो बंद होता है एरिया। और ये काफ़ी ही बड़ा पार्क है। Thank you.
मॉर्निंग हिल्स जो है मुझे एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन लग रही है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हर एज ग्रुप के लिए जो है कोई ना कोई चीज़ें जो आप इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, इतनी ब्यूटीफुल जो नेचर की सीनरी आप इन्जॉय करते हैं, ओपन में गुरुद्वारा है, मंदिर है, और ये जो एडवेंचर पार्क हैं जहाँ पे हम अभी आए हैं, और बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो हमें जो है, हमें पता ही नहीं था कि हरियाणा में इतना अच्छा एक हिल स्टेशन छुपा हुआ है, एंड विल डेफिनेटली रेकमेंड कि आप यहाँ आएँ अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जैसे कि हमने कहा था कि जो लास्ट पोर्शन होगा वीडियो का, वो डेफिनेटली बच्चों को ज़रूर पसंद आने वाला है, एंड आई एम श्योर बच्चों ने इसको खूब पसंद किया होगा। और बने रहिए हमारे साथ, इंडिया एक जनत के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। आपके हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए नए और अच्छे वीडियोज़ लेके आए। तो बने रहिए हमारे साथ, इंडिया एक जनत के साथ, इन्जॉय।